नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। कटहल की सब्जी बनाकर हम खाते ही रहते हैं, आज हम कटहल का अचार बनाएंगे। तो आइए देखें कटहल का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कटहल 500 ग्राम। अचार के लिए हमें कच्चा कटहल लेना होता है। कच्चे कटहल का अचार अच्छा बनता है। सरसों का तेल 1 कप, पीली सरसों 3 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 छोटी चम्मच, सादा नमक 1.5 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, हींग 1/4 छोटी चम्मच से कम, अजवाइन 1 छोटी चम्मच, मेथी दाना 2 छोटी चम्मच, जीरा 2 छोटी चम्मच, काली मिर्च 1 छोटी चम्मच और काला नमक 1 छोटी चम्मच। कटहल का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को काटकर तैयार करेंगे। कटहल का छिलका आप सब्जी वाले से हमेशा उतरवा के लाएं, क्योंकि बड़े कांटे होते हैं उसके ऊपर और उसे उतारना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वो हमने उतरवा लिया है पहले से ही और अब हम इसे काटेंगे। कटहल को काटने के लिए हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर चिपचिपा दूध रहता है, वो हाथों के ऊपर बहुत चिपक जाता है। तो थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाएंगे और कटहल को काट लेंगे। 1-1 इंच के टुकड़े कर लेंगे। ये कटहल हमने काट के तैयार कर लिया और अब हम कटहल को भाप में उबालेंगे। तो एक बर्तन कोई लेंगे बड़ा, जिसमें हम पानी भर देंगे। कुकर में भी कर सकते हैं कि कुकर में हम पानी भर दें और कुकर के अंदर हम किसी दूसरे बर्तन में कटहल को भर के रख दें और नीचे पानी डाल देंगे तो भाप से उबल जाएगा। या फिर कोई ऐसा बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें हमने नीचे पानी भर दिया और एक ये स्टैंड रख दिया, ये बर्तन इसमें आ जाएगा, इसके ऊपर इसमें हम कटहल भर देंगे, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट पानी में नहीं उबाल रहे हैं, इसे हम भाप में उबाल रहे हैं। ये ऑन कर देते हैं, पानी में भाप बननी चाहिए और जैसे पानी में भाप बनेगी हम इसे उबलने रख देंगे। पानी में भाप बनने लगी है और ये कटहल के बर्तन को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और जब तक कटहल नरम ना हो जाए तब तक हम इसे पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। जब तक हमारा कटहल उबल के तैयार होता है, नरम होता है, तब तक हम ये साबुत मसाले पीस करके तैयार कर लेते हैं अचार के लिए। कटहल चेक कर लेते हैं हम। कटहल हमारे काफ़ी हद तक पक गए हैं और 3-4 मिनट तक पकने दें तो थोड़े से नरम और हो जाएंगे ये। कटहल चेक कर लेते हैं हम। एक कटहल हमारे नरम हो गए हैं और हमें इतने ही नरम कटहल चाहिए। गैस बंद कर देते हैं, ये निकाल के रख लेंगे हम और अब हम अचार बनाते हैं। अचार बनाने के लिए हमें कढ़ाई चाहिए। तेल डालकर हम तेल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे कि तेल में थोड़ा सा धुआं उठने लगे। तेल गरम हो गया है और अब हम तेल में गैस बिल्कुल मंदी कर लेंगे, हल्दी पाउडर और ये हींग और ये कटहल डाल देंगे। थोड़ा सा 2 मिनट इसे भून लेते हैं। ये कटहल हमने भाप में उबाला है। कटहल को डायरेक्ट पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उबाल सकते हैं, लेकिन फिर हमें कटहल को छान करके पानी पूरा निकालना होगा और कटहल को सूती कपड़े पर डाल के 2-3 घंटे धूप में सुखाना होगा ताकि कटहल के अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए। अब हम गैस बंद कर देंगे और सारे मसाले डाल करके मिला देंगे। ये हमारे साबुत मसाले थे जो हमने पीस लिए, पाउडर कर लिए
लाल मिर्च, सौंफ पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, काला नमक और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलने तक मिला देंगे। ये कटहल का अचार तैयार हो गया। अभी आप इस अचार को खा सकते हैं, लेकिन असली स्वाद अचार का आपको 4 दिन बाद मिलेगा। तब तक सारे मसाले कटहल के अंदर जज्ब हो जाएंगे, अचार अच्छे से खट्टा भी हो जाएगा, तब आप इस अचार को खा सकते हैं। अचार बनाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। जब आप अचार बना रहे हों तो पूरी सफाई का ध्यान रखें, कहीं से भी कोई नमी अचार में नहीं जानी चाहिए। जैसे फटाफट गीला चमचा डाल दिया या गीली चम्मच डाल दी, ये नहीं होना चाहिए। अचार के लिए कंटेनर तैयार करना है। कंटेनर को पहले उबलते पानी से धोएं, फिर धूप में अच्छी तरह सुखाएं, कंटेनर के अंदर बिल्कुल नमी ना हो। इसके बाद अचार को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद कंटेनर में भर के रखें। तीसरा, आप जब भी अचार खाने के लिए निकालें, सूखी और साफ चम्मच से अचार निकालें। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, अचार बहुत दिनों तक चलते हैं। कटहल के अचार को आप महीने भर तक रख के खा सकते हैं। अचार को आपको और ज़्यादा चलाना है तो अचार के अंदर सरसों का तेल गरम करके ठंडा कीजिए और इतना तेल कंटेनर में भर दीजिए कि अचार तेल में डूबा रहे। तब आप इस अचार को 6 महीने तक रख करके खा सकते हैं। कटहल के अचार को आप रोटी, पराठे, पूड़े किसी के भी साथ खाइए, लेकिन ये अचार खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप कटहल का अचार बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।